खेतिया पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत बिलों की बकाया वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया है। जाकर बकाया विद्युत बिल की रकम व भुगतान न करने की स्थिति में विद्युत कनेक्शन विच्छेद किया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री श्री धर्मेंद्र मंडलोई ने नगर पंचायत परिषद खेतिया द्वारा बकाया 29 लाख से अधिक बकाया बिजली बिलों का भुगतान न होने पर आज कार्यालय का विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया है। नगर पंचायत परिषद खेतिया के विद्युत बिल लंबे समय से बकाया बताए जा रहे हैं। वहीं पिछले कई माह से नगर पंचायत परिषद की वित्तीय स्थिति खराब होती चली जा रही है, जिसके चलते लंबे समय से बकाया बिलों का भुगतान न करने पर आज कार्यालय का विद्युत कनेक्शन काट दिया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एई श्री मंडलोई के अनुसार विद्युत बिलों के बकाया रहने पर हमारे द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन विच्छेदित किया जा रहा है। ऐसे में नगर पंचायत के लंबे समय से शेष रहे 29 लाख से अधिक के बकाया बिलों के चलते हुए विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया है। सर, आज नगर पंचायत परिषद खेतिया का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की बात सामने आई है, क्या कारण रहे सर? खेतिया नगर परिषद का जो है कुल 32 कनेक्शन जो है विद्युत प्रदाय के हैं, जिसमें वाटर वर्क और स्ट्रीट लाइट के और कार्यालय के हैं। तो उसमें लगभग 29 लाख से अधिक राशि बकाया थी, जिसके चलते जो है नगर परिषद खेतिया का कार्यालय का जो है कनेक्शन विच्छेद किया था। आज नगर पंचायत द्वारा कोई रकम जमा की जा रही है सर इस बाबत? लगभग 10 लाख रुपये जमा करने का आश्वासन दिया है और वरिष्ठ अधिकारी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वसूली का अभियान जारी है सर। लगभग कितनी रकम अब तक जमा हो गई? अभी तक लगभग 50 लाख रुपए के समथिंग जो है राशि जमा हो चुकी है और बाकी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में